तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज के वीडियो में मैंने बनाई है एक सोलर रिचार्ज एलईडी लाइट, यानी इसको चार्ज करने के लिए आपको बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको चार्जर से चार्ज करने का ऑप्शन भी दे रखा है। और गाइज, इसमें लगी है 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपको बहुत अच्छा बैकअप देगी। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कम्प्लीट वॉच कीजिए, ताकि वीडियो की सारी प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने ले लिया एक पीवीसी का बॉक्स, जो कि हम नॉर्मली एक्सटेंशन बोर्ड बनाने में काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बोर्ड ऊपर की साइड से खुला है, तो इसको मैं बंद करने के लिए यहाँ पे मैं पीवीसी शीट का यूज़ करूँगा। तो चलो, मैं पीवीसी शीट की कटिंग करके इसे ऊपर से बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हो, पीवीसी शीट पर मार्किंग करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं प्लायर की सहायता से इसकी एक्स्ट्रा पीस को हटा लेता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पीवीसी बॉक्स पे फिक्स हो रहा है। तो चलो, अब इसको साइड में रख देते हैं और इसमें जो हमें एलईडी बल्ब लगाना है उसको तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया एक पुराना एलईडी बल्ब, जो कि ख़राब हो चुका है, और आप खराब एलईडी बल्ब ही यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसकी सिर्फ बॉडी का यूज़ करना है, बाकी इसकी एलईडी पैनल और ड्राइवर सर्किट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलो, मैं इसक्रू ड्राइवर की सहायता से इसके पैनल को हटा लेता हूँ, और जो अंदर की साइड वायर कनेक्ट है उनको हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से अलग कर लेते हैं। तो गाइज, अब इस बल्ब के पीछे का कुछ पार्ट को हमें हटा लेना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक सबलेट की सहायता से इसको काट के अलग कर लेता हूँ, और अब इसके सरफेस को थोड़ा क्लीन कर लेना है, ताकि ये पीवीसी बॉक्स पर आसानी से चिपक जाए। तो आप देख सकते हो, मैंने इसको क्लीन कर लिया है, और अब इसकी जो हीट सिंक है उसमें से हमें इसकी MCPCB को हटा लेना है, क्योंकि ये पहले से ही ख़राब है। और अब हम यहाँ लगाने के लिए यूज़ करेंगे 4 वोल्ट की LED, जो कि आपको मार्केट में इजीली 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा, अगर आपके घर में ख़राब रिचार्जेबल LED बल्ब है, तो उसमें से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसकी ये LED पैनल ख़राब नहीं होती है। तो आप देख सकते हो, ये LED पैनल इस हीट सिंक में परफेक्ट तरीके से फिक्स हो रहा है। और अब हम इसमें एक स्क्रू भी लगा लेते हैं, ताकि इधर उधर हिले डुले नहीं। अब इसके साथ हम दो वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। वायर के कनेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे LED पैनल पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा, तो उसको देख के आप कनेक्शन कर सकते हो। अब इस LED बल्ब को इसके बॉडी में लगाकर इसका डिफ्यूज़र को लगा देते हैं। तो गाइज, हमारा LED बल्ब तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें लगने वाले जो बाकी कंपोनेंट है, उसकी मैं आपको एक बार डिटेल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी, जो कि एक पुरानी मोबाइल बैटरी है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम पे चलेगी और अच्छा बैकअप देगी। इसके अलावा मैं ले रहा हूँ यहाँ चार्जिंग मॉड्यूलर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, और यह है आपकी 4 वोल्ट की LED स्ट्रिप, जिसको हम PVC बॉक्स के साइड में लगाएंगे। और इसके अलावा यूज़ कर रहे हैं 2 स्विच, एक स्विच आपका LED बल्ब के लिए और दूसरा स्विच इस LED स्ट्रिप के लिए। और इसके बैटरी को चार्ज करने के लिए ले रहे हैं ये 6 वोल्ट का सोलर पैनल, इसका एम्पेयर तो थोड़ा कम ही रहता है। इसके अलावा, इसको मोबाइल चार्जर से चार्ज करने के लिए यूज़ करने वाला ये माइक्रो USB जैक, और ये 5mm की 2 LED, जिसका यूज़ हम चार्जिंग इंडिकेटर के लिए करेंगे। एक LED से हमें सोलर का इंडिकेशन मिलेगा, दूसरा हमें मोबाइल चार्जर की चार्ज होने का इंडिकेशन मिलेगा। और इसके साथ एक IN4007 डायोड और एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो गाइज, इन सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए हमें बॉक्स पे कटिंग करनी पड़ेगी, तो मार्किंग करके मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। और गाइज, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। और सारे प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइज, आप देख सकते हो, कटिंग तो सारी हो चुकी है। अब जो कंपोनेंट है वो इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रो USB जैक, जिसके साथ में हम 2 वायर कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसको फिक्स करते हैं। जो 5mm LED है, उनके दोनों नेगेटिव को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे 220 ओम का रेजिस्टेंस। दोनों LED पे अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक रेजिस्टेंस से ही काम चल जाएगा। आप देख सकते हो, चार्जिंग मॉड्यूलर के इनपुट के साथ मैंने LED का कनेक्शन कर दिए, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया माइक्रो USB जैक। तो अब हम इसको एक बार हटा लेते हैं, क्योंकि हमें जो स्विच है उनके साथ कनेक्शन करने हैं। तो दोनों स्विच के साथ में हम एक कॉमन वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और वहाँ से स्विच के माध्यम से जो LED बल्ब और LED स्ट्रिप है उनको सप्लाई जाएगी।
एलईडी स्ट्रिप को यहाँ छोटे स्क्रू की सहायता से फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करके अंदर की साइड निकाल लेते हैं जिसे हम इसको सप्लाई दे सके। अब जो एलईडी स्ट्रिप्स से दो वायर लिए थे उनमें से पॉजिटिव वायर को हम एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं और निगेटिव को एक बार छोड़ देते हैं। तो गाइज अब हम इस सोलर पैनल पे कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव के दोनों पॉइंट बने हुए हैं जिसे देखकर आप इजीली कनेक्शन कर सकते हो। अब इस सोलर पैनल को डबल टेप की सहायता से मैं पीवीसी बॉक्स के ऊपर फिक्स कर देता हूँ। तो अब गाइस जो एलईडी बल्ब है उसको भी इंस्टेंट ग्लू की सहायता से हम पीवीसी बॉक्स के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर को अंदर की साइड निकाल लिया और इसको ऊपर की साइड चिपका दिया है। तो चलो अब हम इसकी बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो बैटरी को मैं डबल टेप की सहायता से इसके अंदर फिक्स कर रहा हूँ और उसके बाद में जो चार्जिंग मॉड्यूलर का आउटपुट है जहाँ पे बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है वहाँ पे हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। अब हमने जो दोनों स्विच से जो पॉजिटिव वायर लिया था उसको हम चार्जिंग मॉड्यूलर के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस अब जितने भी सारे हमारे नेगेटिव के वायर है यानी एलईडी बल्ब, एलईडी स्ट्रिप और जो सोलर पैनल है उन सभी को हमें एक साथ करके बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब बचा हमारा सोलर पैनल का एक पॉजिटिव वायर है और एलईडी का जो पॉजिटिव एलईडी बल्ब का पॉजिटिव वायर है वो हमें दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है और सोलर का पॉजिटिव है पहले हमें चार्जिंग इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना है और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे वो IN4007 डायोड जिसकी ब्लैक वाली पट्टी को हमें सोलर पैनल की साइड और जो वाइट पट्टी है उसको हमें बैटरी की साइड कनेक्ट कर देना है और उसके बाद हमें एक वायर की सहायता से इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हो हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो में इसके कनेक्शन नहीं समझ में आ रहे तो इसका सर्किट डायग्राम मैं जल्दी इंस्टाग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब मैं इसको बंद करके पहले इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको चिपका देता हूँ और उसके बाद में हम इसका टेस्ट करेंगे। तो फाइनली गाइज हमारी सोलर रिचार्ज एलईडी लाइट बनकर तैयार हो गई है। तो चलो अब हम इसका एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसके सामने की साइड दो इंडिकेटर लगे, एक तो आपका सोलर चार्ज का है, दूसरा बैटरी जो मोबाइल चार्जर से चार्ज करने पे ग्लो होगा। इसके साथ यहाँ पे दो स्विच है जो एक एलईडी बल्ब का है और एक एलईडी लाइट का है। तो गाइज इसको हम एक बार चार्जर से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी रेड एलईडी ग्लो हो गई है जिसका मतलब है कि ये अभी मोबाइल चार्जर से चार्ज हो रही है। अगर सोलर से चार्ज होती है तो इसकी ग्रीन एलईडी जल जाएगी। वीडियो के एंड में हम इसका सोलर चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो इसकी एलईडी स्ट्रिप बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जल रही है। हालांकि कैमरे में इसको इतना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और इसका एलईडी बल्ब भी अपनी पूरी ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। जितना हमारा नॉर्मल एलईडी बल्ब जलता है उससे ज़्यादा तेज़ रोशनी मिल रही है हमें इसे। और गाइज इसका बैकअप भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि जो एलईडी स्ट्रिप और एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल लो वोल्टेज खपत करते हैं। तो आपका बैकअप इसका 5 से 6 घंटे आराम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चार्जिंग करने के लिए भी आपको बिजली का कोई झंझट नहीं है। अगर बिजली नहीं है तो आप सोलर की मदद से इसको चार्ज कर सकते हो। तो चलो अब हम इसका एक बार नाइट व्यू देख लेते हैं और उसके बाद में हम इसका सोलर चार्ज का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज मैं इसका 220 वोल्टेज बल्ब की मदद से इसका सोलर चार्ज का टेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसकी ग्रीन एलईडी जल रही है और अब देख सकते हो अब बंद हो गई। जैसे बल्ब बंद कर देता हूँ इसकी चार्जिंग बंद हो जाती है और इसके ऊपर हाथ रखने पे भी ये लाइट बंद हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो सोलर प्लेट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे भी आपके लिए रोज़ ऐसे यूजफुल प्रोजेक्ट की वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।